सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान साजा गोरी। नाज़रीन, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 250 से के करीब है और जो मोटरसाइकिल है उसका रेट जो है 1 लाख से ऊपर है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, लोग महंगाई को कंट्रोल करने के तरीक़ेकार ढूंढ रहे हैं। यानी कहते हैं कि ज़रूरत तो जो है ईजाद की माँ है। अगर आप मोटरसाइकिल छोड़कर साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी और आप जो है महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। मैं इस वक्त नीला गुमत के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो साइकिलों की मार्केट है, जहाँ पर मुख्तलिफ जो दुकानें हैं जो साइकिलें तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो मैंने मार्केट के अंदर सर्वे किया, वहाँ पर मैंने देखा कि जो पहले जो रेट था पेट्रोल का, उसमें साइकिलों की जो मांग थी वो कम थी, लेकिन अब जो जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया है, मोटरसाइकिलों के रेट बढ़ गए हैं और यहाँ पर मार्केट के अंदर साइकिलों की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि जो बाइक है वो 80,000 से 1.25 लाख तक चली गई है, लेकिन जो साइकिल है वो इससे पहले थी 7-8 हज़ार की और अब वो 12 से 16 हज़ार की हो गई है। यानी कि इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन लोग अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए साइकिल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और महंगाई का भी कंट्रोल कर रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि हम साइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो रोज़ की जो पेट्रोल की जो मद है, जिस तरह एक बंदा जो है 500 का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर साइकिल इस्तेमाल करेगा तो वो मैं पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो जाएगा और साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा और उससे सेहत भी बेहतर हो जाएगी। आसिम साइकिल स्टोर है यहाँ पर और यहाँ के ऑनर बैठे हैं, मैं इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, डिमांड बढ़ी है कि कम हुई है पेट्रोल ज़्यादा बढ़ने से। जी सर, बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो क्या आपकी जो साइकिल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ गई है? जी, ज़ाहरी बात है पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग जो है ना बाइक को छोड़ के, जो लोग रेंट पे किराए पे रिक्शों पे जाते थे, उनका किराए बढ़ने की वजह से वो साइकिल लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और इससे साइकिल की सेल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और जो है ना गरीब, ऐसे भी गरीब आदमी की सवारी है, पेट्रोल की बचत है। अगर लोग यही साइकिल इस्तेमाल करें तो पेट्रोल में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। वो वैसे भी आपको पता है पेट्रोल 250 रुपये लीटर हो गया है, जो इस टाइम पाकिस्तानी कौम जो है ना अफोर्ड कर नहीं सकती, और इसीलिए साइकिल लाइन का रुझान ज़्यादा है और हर बंदा जो है ना साइकिल लेने की कोशिश कर रहा है, उससे साइकिल लाइन की फ़र्क पड़ा है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि बाइक कितनी महंगी हो गई है, जो 70-80 हज़ार की बाइक थी वो चलेगी 1.25-1.5 लाख पे। साइकिल में इतना रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, साइकिल पहले 8-9 हज़ार की थी, अब वो 14-15 हज़ार की हो गई है, लेकिन फिर भी लोग तरजीह दे रहे हैं काफ़ी साइकिल को। और वैसे भी साइकिल लोग चलाते हैं फिटनेस के लिए, कई बुज़ुर्ग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं मोटरसाइकिल नहीं लेनी, लेनी साइकिल ही लेनी है, तो जो इसी वजह से ना साइकिल लाइन बेहतर चीज़ है। और साइकिल वैसे भी चलाना सेहत के लिए अच्छी बात है। अब तो तकरीबन सवारी कर रहे हैं जैसे महंगाई हो गई है, लेकिन पहले इतनी साइकिल लाइन सेल नहीं थी, लोग साइकिलें, जब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उससे साइकिल लाइन की सेल को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेबर आपकी काम कर रही है, उसकी तो मैं ख्याल उनकी डिमांड भी बढ़ गई होगी कि जी लेबर के साथ साथ काम बढ़ता जा रहा है। ज़ाहरी बात है सेल, जब जुई हमारा सेल में फ़र्क पड़ता है तो हम साइकिल लाइन में जो हमारी लेबर है उसको भी टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये पीछे लॉकडाउन लग गया था, 9 बजे का टाइम हो गया था, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, लेकिन अब फिर हुकूमत ने लॉकडाउन खोल दिया है, जिसकी वजह से अब हमें फिर रिलीफ मिल गया, तो अब माशाल्लाह पूरा टाइम मिलता है। तो साइकिल जिस तरह हमने देखा पहले फैक्ट्री बनी थी साइकिलें, वहाँ से तैयार होकर आती थी, अब यहाँ मैंने देखा कि मटीरियल आपको मिला हुआ है खुली, जो फ्रेम वगैरह। साइकिल कभी भी तैयार होके नहीं आती थी, साइकिल हमेशा पार्ट्स में ही आती थी, सैम्बल जो थे ना वो हम खुद करते थे, क्योंकि अगर सैम्बल होके साइकिल आए ना तो वो उसमें जनाब अली एक ट्रक में 30-40 साइकिलें आएंगी और साइकिलों को रगड़ लग जाती है, वो फिर ग्राहक कस्टमर खरीदता नहीं है, इसीलिए जो है ना साइकिल पार्ट्स की सूरत में आती है और वो फिट सैम्बल्ड हम खुद करते हैं, हमारे ये जो लेबर बैठी हुई है ना यही करती है सैम्बल्ड। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ कस्टमर भी खड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जो इन्होंने साइकिल को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भी साइकिल हमने लेनी है, तो हम इनसे पूछते हैं, ये देखें कस्टमर आ रहे हैं तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। जी बताइएगा कि आपने आज के जदीद दौर में साइकिल का इतना इंतखाब किया, ये किस तरह किया? पहले भी जब साइकिल यूज़ होती थी तो माहौल भी साफ़ सुथरा, सेहत भी सही रहती थी, लेकिन अब तो पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया है और बस महंगाई भी है, तो अब वो अफोर्ड नहीं है बाइक वगैरह ख़रीदनी, तो इसलिए जो है ना अब हम साइकिल परचेज़ करने आए हैं, ताकि सेहत का भी
वो फ़ायदा और पैसे भी बच जाएं। वैसे रूटीन में कितना पेट्रोल लगता था आपका? 1000-1000 रुपये का लग जाता था। ठीक है, तो अब तो मेरे ख्याल पेट्रोल तो कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर आप काम साइकिल के ऊपर ही करें। नहीं, अब कोशिश यही है कि साइकिल पे ही किए जाए ताकि सेहत भी सही रहे और पैसे भी बच जाए। सर बताइए कि जिस तरह पेट्रोल महंगा हो गया है, साइकिलों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, मार्केट के अंदर हम खड़े हैं, तो क्या फ्यूचर में देखना चाह रहे हैं कि पेट्रोल ज़्यादा महंगा होगा? पेट्रोल तो अभी जो चांस है महंगा होगा, मगर साइकिलों के तो लोगों का रुझान आ तो रहा है, मगर रेट इतने अप हो गए हैं कि लोगों की कुवतें खरीद नहीं है, साइकिल भी महंगी होगी है। ठीक है, नहीं बाइक तो बहुत ज़्यादा महंगी होगी है, साइकिल का तो मैं 3-4 हज़ार रुपये बढ़ा है, लेकिन बाइक तो इस वक्त 1 लाख से ऊपर चली गई है। मगर यहाँ पर रिवाज ये है, लोग साइकिल पर आना पसंद नहीं फरमा रहे, सिर्फ माउंटेन बाइक है बच्चे स्कूल कॉलेज अकेडमी के लिए इस्तेमाल करते हैं, आम यंगस्टर साइकिल पर नहीं आएगा, तो इसलिए उस लिहाज से वो पेट्रोल को भी अफोर्ड कर रहा है बड़ी मुश्किल के साथ। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अगर जो यूथ है, जो अब आने वाली जो यूथ है, अगर साइकिल को ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सेहत बेहतर होती जाएगी? बहुत बेहतर, बहुत बेतर। और माहौल पे भी फ़र्क पड़ेगा? माहौल पे बड़ा असर पड़ेगा, सेहत भी बेहतर होगी, डॉक्टरों से बच जाएंगे, हॉस्पिटलों से बच जाएंगे, एक्सरसाइज भी होगी, तो पूरे वर्ल्ड में लोग चलाते हैं साइकिल, शौक से चलाते हैं, तो इसमें अना का मसला ना बनाएं, साइकिल पर आएँ, सेहत भी बनाएं, पेट्रोल की बचत भी करें। जी हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं जो कि इनकी एक शॉप है साइकिल की और ये उनके ओनर हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है पेट्रोल की बढ़ती हुई महंगाई में, तो साइकिलों की डिमांड बढ़ती जा रही है कि कम है? सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइकिल की डिमांड बढ़ रही है और इंशाल्लाह साइकिल की डिमांड से ऐसे होगा कि इंसान को सेहत मिलेगी और पैसे बचेंगे। ऐसे हमारे हुकूमत को ऐसे करना चाहिए कि चाइना की तरह के हर आदमी साइकिल चलाए और अपने स्टैंडों पे साइकिल रखे, क्योंकि साइकिल के बगैर एक तो सेहत का फ़ायदा है और पैसों का बचा है और पेट्रोल की परेशानी से दूर हो जाएंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, और हमें हमारी हुकूमत को चाहिए कि साइकिल की लाइन को तवज्जो दें और साइकिल इंडस्ट्री को चलाएँ, और साइकिल इंडस्ट्री चलेगी तो इस तरह पेट्रोल की बचत भी होगी। अच्छा, जिस तरह लाहौर चैम्बर के मेम्बर हैं, तो आपकी साइकिल इंडस्ट्री के यहाँ के लोग मेम्बर हैं वहाँ के चैम्बर के? नहीं, कोई मेम्बर नहीं यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ के जब मेम्बर होंगे तो फिर ही हुकूमत तक बात जाएगी ना, लेकिन ये मीडिया की तरफ से जाएगी ना, मीडिया साथ देगी हमारा, तो ये पाकिस्तान साइकिल जो है, सुराफ साइकिल थी, ईगल थी, फाल्कन थी, सब फैक्ट्री बंद हो रही हैं, चाइना को तरजीह दी जा रही है। हमको तो चाहिए कि टैक्स कम करके साइकिल को तरजीह दें, साइकिल चले, सुराफ को दे, ईगल को दे और आम इंडस्ट्री को तावन करें, तो इंशाल्लाह साइकिल चलेगी और पाकिस्तान में नाम पेट्रोल की बचत होगी। अच्छा, आपने ये बात अच्छी की है कि चाइना के अंदर भी जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं उनके नीचे जो काफ़ी सारी साइकिलें पड़ी होती हैं कि जो लोग वहाँ से उठाकर अगले मेट्रो स्टेशन पर ले जाते हैं, तो आप कहने का मतलब है कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए? जी इंशाल्लाह, पाकिस्तान में हर इंसान को होना चाहिए, जहाँ जाता जहाँ तक साइकिल जाती है वहाँ तक इंसान जाए, उसके आगे अपने ट्रांसपोर्ट पर जाए, बस पर जाए, बचत करे, इंशाल्लाह बचत करेंगे तो हमारी पाकिस्तान भी चाइना के साथ से बड़ा मुल्क बन जाएगा, क्योंकि हमारी कौम को बचत की आदत नहीं है, ना हुकूमत को बचत की आदत है, ना आवाम को बचत की आदत है। बचत आप कहते हैं कि पेट्रोल की बचत हो, सेहत की भी बचत, सेहत की बचत हो, पेट्रोल की बचत हो और पैसे की बचत हो। जो हम भीख मांगते हैं वही छोड़ देंगे भीख मांगना, साइकिल पे आएंगे हमें जरूरत कम होगी, हमारी जरूरतें कम होंगी तो हम बेहतर रहेंगे, और साइकिल पे आने का इनको हुकूमत को चाहिए कि साइकिल को बहुत ज़्यादा तरजीह दे और सारी आवाम को साइकिल मुहैया करे। दादी जी सब सुन सकते हैं कि यहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी बातचीत की है और ये भाई भी यही कह रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको साइकिल इंडस्ट्री को तरजीह देनी चाहिए, उनको फ़रोग देना चाहिए, ताकि जितनी भी इस वक्त जो बढ़ती हुई सूरत हाल है पेट्रोल की, के पेट्रोल 250 के करीब है, तो अगर हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, सेहत का ख्याल करेंगे और आबो हवा जो है यहाँ पर जो पेट्रोल की वजह से आलूदगी पैदा होती है वो भी कम हो जाएगी, और लोग जब साइकिलों पर आना शुरू हो जाएंगे तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल है कि पेट्रोल की बचत के साथ साथ इंसान की सेहत की भी बचत होगी। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सुने सारी बातें यहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि सेहत भी बनाएं, बाइक करें बाय बाय, पेट्रोल को भी बचाएं और सेहत का रखें ख्याल और साइकिल चलाएं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, मुझे और कैमरामैन तारिक पर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।